गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड के मुंबई स्थित ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स की वार्षिक मीटिंग मुंबई के महाजन वाड़ी में संपन्न हुई। इस मीटिंग में गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष नंबीराजन गणपति, गणेश नंबीराजन के साथ अन्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान मुंबई के सभी इन्वेस्टर्स के सक्षम गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड की सफलता और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड, जो कि लगभग पिछले 35 वर्षों से मुंबई में दक्षिण भारत में निर्मित होने वाली फिल्में प्रदर्शित करती आ रही है, इन सभी फिल्मों को मुंबई वासियों ने बेहतरीन प्रतिसाद दिया, जिसके चलते गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड ने दिनों दिन प्रगति के नए शिखर पार किए। महाजनवाड़ी में संपन्न हुई इस मीटिंग के दौरान गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष नंबीराजन गणपति और गणेश नंबीराजन ने कंपनी के भविष्य में क्या प्लान है और किस तरह अपने IPO में इन्वेस्टर्स का प्रतिसाद मिल रहा है, इस बारे में मौजूद इन्वेस्टर्स को जानकारी देते हुए कुछ ही समय में गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड और नई ऊंचाई छुएगी, ऐसा विश्वास दर्शाया। 1985 में कंपनी की शुरुआत हुई, छोटा लॉन में करना था, मल्टीप्लेक्सिंग था, सब सिंगल स्क्रीन था, मॉर्निंग शो था, तो हमने शो में ग्रेजुअली इसको डेवलप किया, रेगुलर शो में लाया, मल्टीप्लेक्सिंग लाया, 1000 व्यूज के बनने। आज आपको मालूम रहेगा अगर हमने फिल्म लगता है तो पैसा दाम नहीं होता है, 1000 लेवल का अलग ही फिल्म किया। किस तरह से स्ट्रगल रहा है आज इतने बड़े मकाम पर पहुँचे हैं, इस तरह से स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल के दिनों की याद आई? मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इधर इधर आके पहुँच गए सब दोस्तों में स्ट्रगल करें, नहीं कि खाली हमारी सब दोस्तों में स्ट्रगल करके बराबर।